नमस्कार दोस्तों, एंटिलिया केस और मंसूख हिरेन का जो मर्डर केस है उसमें छानबीन करने वाली एजेंसी एनआईए जो अभी तक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, उन्होंने आपको पता ही होगा कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और उनके दो साथी आनंद और संतोष, इनको इन्होंने गिरफ्तार किया था, कस्टडी में लिया था। वो कस्टडी आज खत्म होने वाली थी, 28 जून तक वो कस्टडी थी। तो एनआईए की जो ये कस्टडी है ये आज खत्म होने वाली थी और एनआईए के स्पेशल कोर्ट में इस चीज की आज सुनवाई थी। कोर्ट में फैसला ये हुआ कि 12 जुलाई तक ये तीनों लोग जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, लेकिन वो एनआईए के कस्टडी में नहीं रहेंगे, सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। तो इसके बाद काफी सारे सवाल उठे, क्योंकि सचिन वाजे को जब एनआईए ने गिरफ्तार किया था, सचिन वाजे की जो कस्टडी है उसको एक्सटेंड किया गया था, एनआईए की जो कस्टडी है वो एक्सटेंडेड हुई थी, लेकिन इस केस में एनआईए ने वो कस्टडी एक्सटेंड नहीं करवाया। इसका रीजन ये है दोस्तों कि प्रदीप शर्मा और इनके दोनों साथी ने एनआईए के साथ कोऑपरेट की। इस पूछताछ में इन तीनों ने काफी सारे खुलासे किए और काफी सारे पुलिस अफसर के नाम लिए, जिसके अगेंस्ट अब कार्रवाई होगी। तो एनआईए के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। सचिन वाजे, मुझे लगता है कि पहले जब एनआईए ने उनको कस्टडी में लिया था तब उन्होंने एनआईए को सारी चीजें नहीं बोली थी, जिसके कारण एनआईए ने सचिन वाजे के साथ कुछ एक्स्ट्रा टाइम बिताया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, एनआईए को जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी वो मिल गई है। प्रदीप शर्मा और उनके दोनों साथी आनंद और संतोष ने सारी चीजें एनआईए को बता दी है और अब कुछ बड़े गिरफ्तारियां होंगे, क्योंकि जो नाम एनआईए ढूंढ रही थी वो नाम अभी एनआईए को मिल गई है। सचिन वाजे और ये तीनों लोगों से अभी एनआईए को फुल प्रूफ मिल गया है और मुझे आशा है कि एनआईए अब जल्द से जल्द बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी हमें देने वाली है, क्योंकि जिस रेट में एनआईए प्रोग्रेस कर रही है, जितनी सारी गिरफ्तारियां एनआईए ने की है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमें आशा है कि मंसूख हिरेन की मौत और एंटिलिया केस, इन दोनों केसेस में हमें सच क्या है वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। और दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था, इन सारी चीज़ों के साथ सुशांत और दिशा का जो मर्डर हुआ है उसका बहुत ही गहरा लिंक है, क्योंकि सचिन वाजे जब फिर से उनको बुलाया गया था मुंबई पुलिस फोर्स में, उसके कुछ ही दिनों बाद दिशा सालियन की मौत हुई और सुशांत की मौत हुई। सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा था दोनों केसेस में, तो कहाँ गया सीसीटीवी फुटेज? पुलिस वाले को छोड़ के कोई और सीसीटीवी फुटेज को मुझे नहीं लगता कि ऐसे टैम्पर कर सकता है। तो 100% ये हो सकता है कि सचिन वाजे इन्वॉल्व्ड है। और सचिन वाजे, जैसे आपको पता है कि प्रदीप शर्मा के साथ भी उनका गहरा ताल्लुक है, वो बहुत ही क्लोज है प्रदीप शर्मा के साथ, तो हो सकता है कि प्रदीप शर्मा भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है। तो अभी मंसूख हिरेन की मौत कैसे हुई इसके बारे में पता चल गया, अभी जल्द सुशांत और दिशा के बारे में भी पता चल जाएगा। अभी जस्ट कुछ दिनों की बात है और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द हमें सच क्या है इसका पता चल जाएगा। तो दोस्तों, प्रदीप शर्मा और उनके दोनों साथी की जो जुडिशियल कस्टडी है वो 12 जुलाई तक होगी। और भी जो अपडेट्स आएंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपके इस पूरे घटना के बारे में आपके क्या विचार है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन कीजिए। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।